सरकारी स्कूलों में लाख प्रयासों के बाद भी व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही। शासन स्तर से इन स्कूलों में व्यवस्था सुधारने के नाम पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन स्थिति जस की तस है। कभी स्कूलों में बच्चों से झाड़ू लगवाई जाती है तो कभी शिक्षिकाएं मोबाइल में व्यस्त नजर आती है। ऐसा ही मामला बटियागढ़ जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत खड़ेरी स्कूल के धौराज शासकीय माध्यमिक शाला का सामने आया है, जिसमें बच्चों से स्कूल में झाड़ू लगवाई जा रही है। विद्यालय की स्थिति सुधारने के लिए प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, बैग, पुस्तक निःशुल्क देती है, मगर शिक्षकों द्वारा छात्रों को पुस्तक की जगह सफाई कराने वाली झाड़ू थमा दी जाती है। इसी कारण स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं आ पा रहा। जहां छात्र छात्राएं विद्यालय में किताब की जगह हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करते हुए नजर आते हैं। मामले में देखा जा सकता है कि पदस्थ शिक्षिका द्वारा बच्चों से साफ सफाई करने के लिए कहा जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह सरकारी स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब मीडिया कर्मियों ने स्कूल की पड़ताल की तो पता चला कि यहाँ शिक्षिका के सामने बच्चे झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू लगाकर कचरे को बाहर फेंकते भी। जहाँ एक तरफ बच्चों के हाथ में कलम की जगह झाड़ू थमा दी गई, प्रदेश सरकार अच्छी शिक्षा देने का दावा करती है। पिछले कई सालों से ऐसे दावे हवा हवाई नजर आते हैं, जिसकी जमीनी हकीकत को आप शासकीय स्कूल धौराज में देख सकते हैं। स्कूलों में यह आलम है कि देश का भविष्य कहे जाने वाले मासूम झाड़ू लगाने को मजबूर है। यहाँ बच्चों को पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं अपने मोबाइल में व्यस्त रहती हैं तो कोई शिक्षिका स्वेटर बुनने के लिए ऊन को यहाँ पर लेकर आ जाती है। इन सब में चौंकाने वाली बात तो यह है कि अधिकारियों को सब कुछ पता होने के बाद भी यहाँ कोई कार्यवाही नहीं होती। इस मामले में जब स्कूल की प्रधान अध्यापक नीतू ठाकुर से बात की तो उन्होंने बताया कभी कभार बच्चों से झाड़ू लगवा लेते हैं, जिससे स्कूल में साफ सफाई बनी रहे। वहीं मामले में विकास खंड अधिकारी बीएस रावत का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और शिक्षिका के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। बटियागढ़ बीआरसी उमेश पाठक ने बताया कि अगर स्कूल में पदस्थ शिक्षिका के द्वारा बच्चों से झाड़ू लगवाई गई तो उन पर जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। ये मामला, हाँ, यदि बच्चे स्कूल में झाड़ू लगा रहे तो ये गलत है और इसके लिए हमने अभी जो है, जैसे आपसे जानकारी प्राप्त हुई, हमने संकुल प्राचार्य को जो है पूरी जानकारी से अवगत करा दिया और आज ही जाँच करवाई जाएगी वहाँ, और यदि ऐसा है तो मैडम जो है कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। शाला धौराज में जो हमें मीडिया से जानकारी प्राप्त हुई है वीडियो के माध्यम से, तो हम जनशिक्षक को बोलते हैं कि भाई वहाँ देखें कि क्या मामला है, बच्चों से झाड़ू नहीं लगवाना चाहिए, बात कायदे की है, तो इस पर कुछ कार्रवाई की जाएगी सर। अब मामला देखते हैं क्या स्थिति बनी, झाड़ू क्यों लगाई गई बच्चों ने, अब जब जाँच करके आएंगे जनशिक्षक हमारे, बताएंगे कि भाई क्या स्थिति परिस्थिति है। क्या नाम है आपका? इरादा अग्रवाल। किस स्कूल में पढ़ते हैं? साज के नवीन माध्यमिक शाला धौराज। आप अभी झाड़ू लगा रहे थे? यस। स्कूल में? यस सर। कौन बोलता है झाड़ू लगाने के लिए? मैम। क्या नाम है मैम आपका? नीतू ठाकुर। कौन सा स्कूल है? नवीन माध्यमिक शाला धौराज। ये साफ सफाई चल रही थी क्या अभी? नहीं, ऐसा ही करा रहे थे बच्चों से थोड़ा सा। तो ये कौन क्लास के बच्चे हैं? ये सिक्स क्लास के। तो झाड़ू लगा रहे थे स्कूल में बच्चे? आज वो थोड़ा ज़्यादा कचरा कचरा हो गया था तो हमने कहा करवा लें बच्चों से साफ। तो आप लोग इनसे साफ सफाई करवाते रहते हैं? नहीं, वैसे नहीं कराते सर, कभी कभार। कभी कभार। तो ये कोई अभियान को लेकर काम चल रहा था क्या? स्वच्छता के अंतर्गत कभी कभी करा लेते हैं। वहीं एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या शासन प्रशासन के पास सफाई कर्मचारी कम पड़ गए हैं? जबकि देखा जाए तो सफाई कर्मचारी सभी जगह तैनात हैं, लेकिन उनकी मक्कारी के चलते आखिर बच्चों को काम करना पड़ता है, और जब बच्चे साफ सफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका दंड शिक्षिकाओं को भी भुगतना पड़ता है। फिलहाल हम यह नहीं कहते कि किसी की गलती नहीं, लेकिन जिम्मेदारी सभी को समझनी चाहिए। दमोह से राजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।